मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अनुपमा श्रीवास्तव। आई विल टीच यू मैथ सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। ओपन योर बुक पेज नंबर 14। ओके, ओपन योर बुक पेज नंबर 14। द नंबर 10। यहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा, आपको नंबर्स 10 के नंबर्स बताए जाएंगे, यानी हम क्या क्या डिजिट ऐड करेंगे जिससे हमारे 10 डिजिट आएंगे। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम काउंटिंग या एडिशन करते हैं, तो एडिशन आपको मैंने बताया था, एडिशन करते टाइम हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसा डिजिट ऐड करना है कि उसका टोटल हमें मिले। ऐड करने के बाद हमें जो नंबर मिले वो क्या मिले, आंसर मिले वो क्या मिले, 10 मिले। ओके, जैसे आप लोग करते हो 5 प्लस 5 हमें करने में क्या मिलता है, 10। क्लियर? ओके, 8 प्लस 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 प्लस 2 10। ओके, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। क्लियर? ऐसे कर दे, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसे नंबर्स ऐड, ऐसे डिजिट हमें ऐड करने हैं कि हमारा आंसर क्या है, 10 है। देखिए यहाँ पे सारे नंबर्स का आंसर, सारे डिजिट का आंसर हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, 10। ओके, तो यहाँ पे आपके देखिए बुक में जो ये पेज नंबर 40 पे दिया गया है वो 10 दिया गया। देखिए 9 कब्स है यहाँ पे, प्लस 1 कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 10। 9 प्लस 1 10। ओके, 9 प्लस 1 यहाँ पे वॉच बना हुआ है, 9 प्लस 1 यहाँ पे क्या गया, 10। यानी आपको क्या करना है, देखिए राइट, आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 बॉक्स बने हुए हैं, उसमें 10 राइट करना है। क्लियर? और कुछ भी नहीं करना है इसमें, क्या करना है, बॉक्स में आपको 10 डिजिट राइट करना है। कैसे आप करेंगे, जैसे बॉक्स बना हुआ है आपका, ऐसे ही यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं। क्लियर? आपको बॉक्स ऐसे ऐसे करके दिख रहे होंगे, यहाँ पे हमें क्या राइट करना है, 10 ऐसे करते। क्लियर? हमें बस इसमें इस बॉक्स में 10 फिल करना है। ये देखिए यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, और ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल दे भी रखा है, इसे देख के हमें यहाँ पे राइट करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पे नंबर 0, 11 to 20 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एडिशन देखिए यहाँ पे क्या गया है, 10 प्लस 1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर? अगर हम 10 प्लस 1 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे ही 10 प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 10 में प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड करते करते 20 तक हमें, देखिए यहाँ पे देखिए 20 तक हमें यहाँ पे 14 तक लिखा है, आप पेज पे देखेंगे तो 14 तक लिखा है। 10 प्लस 1 यहाँ पे बनाना बने हुए हैं, बनाना बने हुए हैं, तो इसको हम जब प्लस करेंगे, 10 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 11। कैसे, अगर हमारे पास 10 बनाना है प्लस 1 कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 11। ओके, ऐसे ही 10 प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 12। क्लियर? ऐसे ही हम 10 प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 13। ये क्या हम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, 10 में प्लस मैंने 3 किया तो क्या हो गया, 13। ओके, नेक्स्ट 10 प्लस 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 14। 10 प्लस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 15। यानी हमें क्या करना है, 10 में ही प्लस करना है। अब ऐसे ही हम करते करते क्या करेंगे, 10 प्लस लास्ट में 10 प्लस 10 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, हमारा 20। हमें नंबर्स कहाँ तक राइट करने थे, 20 तक, 11 to 20। तो यहाँ पे हम ऐसे ही ऐड करते जाएंगे और लास्ट में हमारा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो आपको देखिए ऐसे ही यहाँ पे 10 प्लस 5 किया गया है, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16, 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19 एंड 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। 20 यहाँ पे देखिए हमें जो हमारा डिजिट है वो वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमें आपको क्या करना है, आप नंबर्स होमवर्क में आप क्या करेंगे, नंबर्स ऐसे ही क्या करेंगे, पहले हम 10 नंबर्स बनाएंगे। 10 नंबर्स कैसे बनाएंगे, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ओके, अभी मैंने बताया था
हेल्प से एक एक डिजिट ऐड करते हुए जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया है, आप राइट करेंगे और आपको काउंटिंग कहाँ तक राइट करनी है, 20 तक राइट करनी है। ओके क्लियर। सो यहाँ पे मैंने आपको जो आज पढ़ाया है वो नंबर्स के बारे में पढ़ाया, 10 और 10 की हेल्प से हम 20 तक कैसे काउंटिंग करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। क्लियर। आपको ये चीज आपको होमवर्क की कॉपी में करना है, जैसे मैंने यहाँ पे करना था वो होमवर्क में आप क्या करोगे, पहले मैंने बताया था 10 ऐड करने के लिए, उसके बाद फिर आप 10 की हेल्प से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 तक आप क्या करोगे, काउंटिंग राइट करोगे। ओके ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।